तो गाइस आप लोग यहाँ भर भर के कमेंट कर रहे हो कि आप क्या करो, आपकी न्यू कार के अंदर रुको 24 आवर्स। तो यार आप लोग के हैं और आपका भाई ना करे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो आज का चैलेंज होने वाला है लिविंग इन माई न्यू कार फॉर 24 आवर्स। तो गाइस इस वाले चैलेंज में हूँ मैं, यहाँ पर ये किशोर और इसके अलावा मोटा मोनू और ये नाबालिग। तो गाइस हमारे पास में एक चार पानी की बोतल और ये है कुरकुरे। तो इन्हीं की मदद से आज हम पूरे 24 आवर्स इस कार में बिताने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, तैयार हो तुम? यस। ओए बाहर नहीं निकल सकते आप? ठीक है ना? तो चलो गाइस, यहाँ पे आप देख लो अभी हमें ना खुले मैदान के अंदर है, तो अब हम जाएंगे सड़क के ऊपर। चलने दे। चैलेंज है ना वो यार हमारे लिए काफी ज्यादा मुश्किल होने वाला है, क्योंकि हम 24 घंटे इसी गाड़ी में रुकने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, और अभी तो कोई भी मंजिल नहीं है, देख लो यहाँ पर चलते जा रहे हैं भाई, चलते जा रहे हैं। और जो हमारी टंकी है वो भी फुल है और ये लोग भी पीछे फुल है। फुल हो ना तुम? वही वो देखो यार, पीछे पीछे है, सो रहे है तू? सो रहा हूँ, अकेला हूँ पीछे। सही है तू, पीछे कम्फर्टेबल। ओ भाई साहब, गाइस देखो भाई, एक तो हमें दे देना। अरे चलो लेके बैठ गए सारे के सारे, एक को एक मेरे को दे दे यार। तू क्या करेगा, मारेगा क्या हमारे को? गाड़ी चला दू यहाँ पे, आप देख लो ये पिल्लो के लिए कुत्तों की तरह छोड़ यार। तेरे बार रजा है ना, तू रजा है तो उसको ओढ़ूंगा, तकिया लगाऊंगा। पागल है क्या? देना गाइस, चैलेंज स्टार्ट हुआ नहीं और इनकी लड़ाई स्टार्ट हो चुकी है। ये देखो, बाहर फेंक दे दोनों, बाहर फेंक दे दोनों, हट जा मोटे गेंडे सालों फाड़े। गाइस हमारा मिशन सक्सेसफुल हो चुका है, दोनों पिल्ला हमारे पास, एक नाबालिग के पास और एक मेरे पास। ओए मोटे अब क्या करेगा तू? क्या है, रोक ही रहा है? कंबल है भी, ये भी ले लेंगे, रुक के ये सब कुछ ले लेंगे गाइस। कुरकुरे तो यार मेरे भी है। ओए सुन, कुरकुरे इधर आ जाना चुपचाप। ओ भाई मेरे को मत भूल जाना, तू तो गाड़ी चला रहा है, ड्राइवर है। गाड़ी चला देना मेरे को, भूख लगी है। ड्राइवर है, क्या खिलाऊं तुझे? ड्राइवर को खाना आना थोड़ी आता ड्राइवर। हमारा चैलेंज है, हम रोते फिरेंगे घूमते फिरेंगे लेकिन बाहर नहीं निकलेंगे, भले कुछ भी हो गाइस, हमारी आत्मा भी बाहर नहीं निकलेगी, हम इसी के अंदर बनेंगे, इसी के अंदर हंगेंगे, इसी करेंगे, सब कुछ करेंगे गाइस। जो भी होने वाला है 24 घंटे के अंदर वो सारा गाड़ी के अंदर ही होगा। समझ जाओ आप क्या क्या होने वाला है। क्या होगा ये तो पता पड़ता जाएगा धीरे धीरे। टिश्यू पेपर पड़ा है वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है। भाई यार है ना, मतलब कि जब हमें ना ऐसे चैलेंज करते हैं ना तो काफी ज्यादा मुश्किल होता है यार चैलेंज को कंटिन्यू करना, क्योंकि यार सुसु लगती है भाई, भयंकर तगड़ी वाली सुसु लगती है। मतलब कि है ना, पोटी तो कंट्रोल हो जाए 24 घंटे के लिए, सुसु कंट्रोल करना भाई मुश्किल, खतरनाक मुश्किल होता है भाई। एक चीज हो सकती है, कैसा? डाइपर। डाइपर तू लेके आया है? मैं एडवांस चलता हूँ, ऑलरेडी पहन का है मैं घर से ही। सच में? दिखाऊं? खोल गाइस, ये डाइपर पहन का है भाई। मुझे पता था अगर चैलेंज तोड़ा दिमाग में खराब आते, कुछ कितना भी ज्यादा कंफर्टेबल हो लेकिन मुझसे ज्यादा कंफर्टेबल कोई नहीं हो सकता, क्योंकि मैं दो बंदों की सीट पे अकेला सो रहा हूँ देखो, और नाइट में भी आसानी से यहाँ पे सो सकता हूँ। मेरे पास कंबल है लेकिन उन लोगों के पास नहीं है, कुछ भी नहीं है। हम छीन लेंगे तुझसे। छीन के भी क्या करोगे मेरे पास, मैं आराम से फैल के सो सकता हूँ लेकिन तुम नहीं सो सकते। फेंक देंगे, इतना ज्यादा खुश मत हो तू। कुछ नहीं होगा तुम लोगों से, कुछ भी नहीं। तुझे बाहर फेंकेंगे लाते मार मार कर। एसी बंद कर, मेरा गाड़ी बंद है, मेरी गाड़ी बंद है, मैंने लॉक कर दी सीटों को अंदर से। जो ट्रक चलाते हैं ना उनके पास जाके सोने वाला है। मैं कोई नहीं सोने वाला, विंडो ओपन करके एसी बंद कर देंगे। तुम सोओगे, तुम पीछे गर्मी लगती है। कोई बात नहीं, हम गर्मी में सो लेंगे लेकिन कंफर्टेबल सोएंगे।
कितनी सारी जगह देखो, खाने पीने की सारी चीजें मेरे पास है, तुम्हारे पास क्या है? वो तो भी छीन लूंगा मैं। ऐसे वैसे रो मत यार। देखो पता है, तेरे को पता है मैं घर से क्या लेके आया? देख मेरे पास, मैं घर से क्या लेके आया? इसके अंदर घर से मैं लेके आया चूरमा। दिखाऊं? दिखाऊं कैसा होता है? देखो मैं अपनी फैमिली को दिखाता हूँ, रुक जा। अरे चूरमा तो दिखाने दे। तो गाइस आप देखो भाई, चूरमा तो छीन लिया भाई इससे। मजा आ गया यार, थोड़ा सा तो दे दे। हो गया पीछे यार, तू अभी तो बोल रहा था नाइट में अच्छे से सोऊंगा, बेसों की तरह फैल फैल के। बोल ले, आजा नाइट में आ जाऊंगा। अभी क्या है बट थोड़ी देर मारूंगा भाई। आप यहाँ पे आप देख लो, इनकी इतनी भयंकर वाली लड़ाई हो रही है, तो बाद में क्या सीन होने वाला है कुछ पता नहीं। कुरकुरे दे दे, फिर आने देंगे हम सारे। दे मुझे भी दे, मुझे तो दे। अब आने दे रहे, पहले मुझे दे दिए मैंने चार बंदे हो तो आगे वाले। तो गाइस अभी तक तो है ना, हम हमारी डेस्टिनेशन तक भी नहीं पहुंचे हैं, और जो हमारा खाना पीना है वो स्टार्ट हो चुका है भाई। जो भी कुरकुरे थे ना वो तो अब देख लो आप, खत्म हो रहे हैं यार। कुछ नहीं इतने से है, और रात में हम क्या खाएंगे कुछ भी नहीं पता हमारे को। पानी है, किस किस के पास में पानी बचा है भाई? कौन सी डेस्टिनेशन पता ही नहीं, कहाँ चलना है? डेस्टिनेशन नहीं है? नहीं तो मैंने बोला था ना कि कोई अच्छी जगह लेके चल, कोई नहीं है तेरे पास में अच्छी जगह है, लेकिन सीक्रेट अभी नहीं बताएंगे, वहाँ पर चल के फिर बाद में बताएंगे। तो हमें तो बता दे। नहीं तुमको भी नहीं बताऊंगा, तुमको भी सीक्रेट, तुमको सरप्राइज आज मेरी तरफ से। तब तक खाओ कुरकुरे। रुक जा रे भुगड़े, ले रे एक मिनट को थोड़ी राजे ने यानकिन तोड़ देना, खत्म हो गए मेरे। मैं क्या करूं, कहीं तो भी देना कुछ। तो गाइज फाइनली हमारा खाना पीना तो कंप्लीट हो चुका है, और अब किशोर पता नहीं कौन सी सीक्रेट जगह लेके जाने वाला है। वो कहाँ पे लेके जाएगा? तुम रेस्ट कर लो, मैं लेके चल जाऊंगा, और टेंशन मत लो तुम। तो हम सो जाए? हाँ सो जाओ। मेरी बात सुन, शाम होने वाली है थोड़ी देर में, तो जल्दी लेके चलना, ठीक है ना? तो गाइज यहाँ पे आप देखो भाई, सूरज भी डूब चुका है और थोड़ी देर में रात हो जाएगी। तो कोई नहीं, हम तो आराम से मजा लेते हैं और देखते हैं कि किशोर हमारे को क्या सरप्राइज देता है। सो जाओ आराम से, मस्त रहो। गाइज यहाँ किशोर गाड़ी चला रहा है, उमेश भी सो रहा है, या नाबालिग भी सो रहा है। मोटे क्या हुआ? नाबालिग की नींद खुल गई। अरे बारिश आ रही है, सनरूफ फट रहा है अपने ऊपर से। क्या कर दिया ये? सनरूफ फट रहा, देख ले बारिश आ रही है बाहर। किसने करा ये? मोनू ने। मेरे पास तो बोतल ही नहीं पीने के लिए। फेंकूंगा दोनों उठा उठा के भी। फटाऊंगा तुम्हारी बारिश। बारिश आ रही है, सनरूफ फट रहा, देख ऊपर से आ रहा है, ऊपर से पानी, कपड़े गीले कर दिए पूरे पूरे। गाइस सुबह से एक तो इस गाड़ी में घुमा रहे हैं, यहाँ बैठे बैठे नींद आ गई थी थोड़ी देर, और इन कमीनों ने सड़न पानी गिरा दिया, पता नहीं ठंडा ठंडा अच्छा लगा कपड़ अच्छा क्या लगा पागल है क्या? और गिरा रहे अच्छा, देखो कपड़े की बार हो जाती। तो ये किसने लगाया? ये पीला पीला क्या कर दिया? ये तूने पोटी कर दी यहाँ टी शर्ट पे पोटी करता है क्या तू? दिमाग विमाग बेच के आएगा? कोई नहीं बेटा, अभी तुम्हारे 12 बजे होगा रात को, तुम सो के बताओ। आज मैंने क्या किया? मैं तो कपड़े लेके आया, अभी रुक चेंज कर लूंगा। मैंने क्या किया? 2 मिनट लगेंगे मेरे को। मैंने ये मोटा है, दोनों ही कर रहे थे। कैमरा तेरे पास था ना? मैं तो कैमरा चला रहा था भाई। हां कैमरा था तो वहां प्रैंक तुम्हारा करूंगा, प्रैंक रुको। मैं किसी ने दी मेरे को पानी डाल इसके ऊपर, ये मेरी बोतल है, ये भी खाली कर दी सालों ने। मैंने थोड़ी दी बोतल, मोटर ली इसने भाई। पानी और दिलाना यार मेरे को, मैं टी शर्ट देना पीछे से तेरी बैग में पड़ी हुई, इससे तो मैं जूते साफ कर रहा था तेरा गड़ जाएगा जूते। भाई साहब यार पीछे बेटा बेटा परेशान हो गया, अब मैं आगे आ रहा हूँ रे यार। तू क्या पीछे रे? पैर दर्द कर रहा तेरी कसम, बहुत भयंकर वाला पैर करे या कुछ और दर्द करे मुझे क्या? अरे आ गया जानवर, आ गया आ गया। क्या आ रहा है? आ गया आ गया। अबे पैर दुखने लग गए यार पीछे, अनकंफर्टेबल हो गया मैं। तो गाइस हम ट्रैफिक में इतनी बुरी तरीके से फंसे हुए हैं, देखो आप भाई रास्ता पूरा ब्लॉक है, हल्की सी लाइन चलती है और वापस रुक जाती है। यहाँ देखो ये कब से रुकी हुई है। ओए कैसा लग रहा है? ये बोतल चाप रहे, चाप जा चाप जा पूरी। परेशान हो गया यार। ओए मेरी बात सुन, वहाँ निकल के देख ना यार, वहाँ निकल के देख, वहाँ निकल के देख। हे अलेक्सा, अलेक्सा ओपन सनरूफ। बाहर जा बाहर जा, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा बाहर, तो बड़े बड़े सांड खड़े, ट्रक ही ट्रक, ये देखो और चारों तरफ ट्रक ही ट्रक है। तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो हम बिल्कुल जाम के अंदर फंस चुके हैं, और फ्रंट में देखो आप
तेरी चुनरिया दिल्ले गई। गाइस जो सड़क थी ना उसके ऊपर जो तगड़ा वाला ट्रैफिक था, तो यहाँ पे आप देख लो भाई, हम करवा रहे हैं ऑफ रोडिंग भाई, साइड से चल रहे हैं हम, और ऊपर से देखा ऊपर से एक पूरा कीचड़ है, पूरा ऑफ रोडिंग चल रही है तगड़ी वाली। चलने दे, चलने दे, हमारी गाड़ी। गाइस वादा देखो भाई, इतने बड़े बड़े खड्डे है और किस तरीके से ना अपनी गाड़ी बोले वो खड्डे कूद रही है भाई, तगड़ा सीन है यार भाई। अबे यार अब आगे जाम आ गया, वापस वापस से ट्रैफिक लग गया। किशोर नीचे से नहीं ऊपर से ही रख, ऊपर से। तो गाइस आप लोग सोच रहे होंगे कि जो ये भैया है ना वो किनको देख रहे हैं, वहां पर आप देखो गाइस ये इनको देख रहे हैं। ये गाइस आगे कपल बैठे हुए हैं पीछे वाली सीट पे जो भाई अब कुछ भी कर रहे हो यार, इनकी प्राइवेट लाइफ निकल रहा है। छेड़ रहा है, क्यों छेड़ रहा है पागल उनको भाई, उनकी तो नजर उस गाड़ी में से हट ही नहीं रही थी, फ्री का शो देख रहे थे वो तो आराम से ट्रक गया भाड़ में, लसी बना कर रहा है लेकिन छोड़ दिया उन्होंने, पीछे गाड़ी आ रही है उनसे कोई मतलब नहीं, आगे नजर उनकी तो देख रहे थे भाई, उनको पता चल गया देखो वो गाड़ी वाले ना आगे जा चुके हैं अब, क्योंकि पता चल गया था कि उनके ऊपर बुरी नजर डाली जा रही है, ड्राइवर तगड़ा था यार वो भाई साहब। इतनी ज्यादा हालत खराब हो गई, इतनी ज्यादा ट्रैफिक से बाहर ही नहीं निकल रहे, पता नहीं क्या हो गया। ये देखो कितना लंबा ट्रैफिक है, चलते जा रहे हैं, बहुत लंबी लाइन है भाई, बहुत लंबी। भाई फाइनली हम ट्रैफिक से तो निकल चुके हैं और अब तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वहां पे आप देख लो भाई पूरी सड़क मस्त खाली खाली, अब आराम से हम चलाएंगे। किशोर बड़ा दे रफ्तार फुल। गाइस रात हो चुकी है और किशोर पता नहीं कहाँ पे ले जाने वाला था, लेकिन यहाँ पर आप देखो हाईवे के साइड में ना गाड़ी को इसने पार्क कर दिया है और शायद नो पार्किंग का बोर्ड लगा हुआ है आगे। भाई ये मरवाएगा, कोई दिक्कत नहीं है यार, रात में तो है ना कोई चेकिंग नहीं आएगी। बाकी ना यहाँ पर आप देखो ये तो सो रहा है। ओए सुन, तो कहाँ पे ले जाने वाला था? अरे यार सुबह चलेंगे कहीं नहीं, ये तो सो रहा है भाई। लाइटें जला के एक बार आपको अच्छी तरीके से बता देता हूँ भाई, ये है ना इतना कंफर्टेबल नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से ना मोटा पीछे फुल कंफर्टेबल होगा भाई। देखो किस तरीके से सो रहा है यार, इसको तो आराम से ना एक मस्त बेड मिल चुका है बड़ा सा, परेशान करता हूँ, नींद आ रही है इसको तो, छोड़ते हैं चलो। डीजल ख़त्म ना हो जाए गाड़ी के अंदर, क्योंकि है ना अभी तो आधी रात हुई है और यहाँ पर आप देखो गाड़ी स्टार्ट है और हम गाड़ी को बंद भी नहीं कर सकते भाई, गर्मी के कारण हम मर जाएंगे अगर गाड़ी को बंद कर दिया तो, हवा तो बिल्कुल नहीं आने वाली और ना ही बाहर निकल सकते हैं। एक चीज़ का फ़ायदा है ये सारे सो रहे हैं, सूसू लग रही है मुझे तो, भाड़ में जाइए लोग सूसू कर लेता हूँ मैं तो। और गाड़ी यहाँ पर आप देख लो मैं बाहर नहीं निकलने वाला, जो मेरे पाँव होंगे ना वो यहाँ पर ही होंगे, देखो इस जगह मेरे पाँव होंगे, और जो मेरा चैलेंज होगा ना वो भी नहीं टूटने वाला। ये सारे तो सो रहे हैं भाई, भाई अब जाकर अच्छा लग रहा है थोड़ा, पानी की बोतल भी ख़त्म हो गई देखो मेरी तो, आज तो है ना इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई क्योंकि जो हमारा चैलेंज था ना वो दोस्तों लेट स्टार्ट हुआ था, लेकिन कल का तो पूरा दिन बाकी है भाई, पूरा दिन बाकी है, सर्वाइव करना पड़ेगा। और मेरे हिसाब से इनकी भी बोतल खाली होगी, सो रही है तो मज़े से, एसी चल रही है मस्त, ठंडी ठंडी चिल रही है गाड़ी। कल मॉर्निंग में पता है मेरे को हालत ख़राब होने वाली है हम सब की, क्योंकि पानी भी ख़त्म हो गया हमारे पास में, जुगाड़ करना पड़ेगा हमारे को कोई ना कोई, और इन सबको पोटी लगने वाली है, सूसू लगने वाली है, नेचुरल है यार ये तो, लफड़ा जो होगा वो अलग, और पूरा टाइम बाकी है भाई, कल का पूरा दिन बाकी है। कोई नहीं मैं अभी तो सोता हूँ। गुड मॉर्निंग गाइस, सुबह हो चुकी है और है ना सभी को नाश्ता करना था, और हमारी किस्मत इतनी अच्छी, यहाँ पर आप देखो भाई भैया आए हैं जो कि हॉट डॉग बेचते हैं, बताने एक बार भैया पांच बना दो, पांच ठीक है, पांच बना देना ठीक है भैया, कितनी देर में हो जाएंगे कंप्लीट? हो जाएंगे दो तीन पाँच मिनट, पाँच मिनट में हो जाएंगे गाइस कंप्लीट, और मस्त आराम से हम यहाँ पर ही बैठ कर नाश्ता करेंगे। ये काम अच्छा हुआ यार, नहीं ये हॉट डॉग मतलब डॉग हॉट है या फिर नहीं क्या यार, खाने की चीज है नाम पहले बार सुना था। गरम कुत्ता तो गरम कुत्ता आएगा भाई, इसमें ना कोई डॉग वगैरह तो नहीं होता है ना, शाकाहारी नाम है, शाकाहारी नाम है हॉट डॉग, समझा नाम है हॉट डॉग,
ना लाया पढ़े लिखे गवार ना पहली बार सुना यार तुझे खाना है शुरू से मैं खाना चला रहा है यार गाइस परेशान कर रहा था मॉर्निंग में मार इसको पकड़ के आराम से गाइस हम आराम से एक दो घंटे और सोते भाई इसकी तो नींद है ना पूरी हो गई थी मस्त कंफर्टेबल था ये पीछे हमारी 12 बजे हुई थी यहाँ पर आके तूने तो पीछे पूरी पैर ही नहीं आ रहा ये सीट पीछे कर ली है फस फस के सोए हैं और ये पॉलिथीन चर 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 बोल रही थी यार नहीं रखनी मुझे अरे ये पूरी रात परेशान कर दिया यार मुझे चल 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 भाई कोई चूहा बोलते ना पीछे चू 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 भाई चीरन बॉक्सिंग गाड़ी चीरन हो रहा है यहाँ पर आप देख लो भाई चीरन ओ भाई साहब मुझे तो कोई परेशानी नहीं है इनसे मैं तो ऐसे ही बाढ़ रहा हूँ तेरे पास तो कंबल थी मैं तो आराम से कंफर्टेबल था मजा यहाँ पर आप देखो भाई सब लोग खा रहे हैं भूखों की तरह कुत्ता अच्छा है यार गरम कुत्ता कुत्ता कुत्ते को खा रहा है ये बात भाई बात तो है यार जो भी है ना स्ट्रीट फूड उसमें यार टेस्ट तो एक नंबर होता है एक नंबर यहाँ पे यार देखो इसने ना सीटों के सारे फाड़ दिए कवर वगैरह फील भी अब आ रही है मजा आ रहा है हाँ फील तो आ रही है यहाँ के भी हटा दूंगा मैं अभी फिर है ना अपनी गाड़ी लगेगी बिल्कुल न्यू मस्त एक नंबर अब तो बता दे कहाँ लेके जा रहा है तू बस 10 मिनट और सबर करो मेरे भाइयों और बहनों उसके बाद में पता पड़ जाएगा आपको थप्पड़ पड़ेगा फिर क्योंकि सबसे ज्यादा बोरिंग चैलेंज है आज का आज तक का गाइस अब तो मैं आराम से चैलेंज कंटिन्यू कर सकता हूँ क्योंकि भाई सुसु वगैरह आराम से कर ली मैंने तो मैंने कर ली रात तूने भी कर ली पेट खराब हो रहा मेरा 40 लग रही है सिंपल वन है यार भाई इनके 12 बजने वाली है और पहले बता देता हूँ जो पीस चैलेंज से बाहर निकला वो दोस्तों क्या करने वाला है जोलो चिप्स नहीं उससे अच्छी चीज और तगड़ी वाली भाई गंदा करने वाले उसके सामने बहुत तगड़ा गंदा थोड़ी देर बाद में कोई साइड में मतलब खाली जगह ले चलना मार्केट से बाहर ले चलना यहाँ पर ही मारो अब गाड़ी जब गाड़ी नहीं रुकने वाली यहाँ तो बाहर गाड़ी सजा क्या गाय गोबर उठाएंगे इनसे हाँ यार मार्केट के अंदर मार्केट में हाँ ये बहुत अच्छी बात बोली तूने गाइस कोई भी ऐसे होती है ना आवारा पशु वो सड़कों पे ऐसे गोबर कर देते हैं वो गोबर ये उठाएंगे जी हाँ सही है ना मस्त एक नंबर अब गाड़ी नहीं रुकनी चाहिए इनको लग रही है तीनों को सूसु और इसको पोटी भी लग रही है और सामने आप देख लो भाई व्यू देखो आप एक नंबर व्यू और है ना ये मस्त जगह ले जाने वाला है भाई व्यू देख के लग रहा है गाइस यहाँ पे ना किशोर हमारे को इतनी मस्त वाली प्यारी सी जगह लेके आ चुका है यहाँ पे आप देखो घाटिया देख रहे हो आप घाटिया भाई कितनी प्यारी सड़क है यार और पूरी घाटिया है और आगे देखो कितना प्यारा सा महल बना हुआ है और हम जाने वाले हैं वहां पर हम दोनों तो ले रहे हैं मजे और यहाँ पे इन लोगों की हालत खराब क्या जुगाड़ है गाय ये बोल रहे हैं ना ये गाड़ी के अंदर सुसु करेगा घंटा कैमरा ऑन रहेगा हम करने ही नहीं देंगे गाइस पक्का है ये सड़क पे आज गोबर उठाएंगे 101% तीनों में से एक ना एक तो आज गोबर उठाने वाला ही है भाई मैं तो आराम से सरवाइव कर लूंगा भाई पोटी लग रही है लेकिन मैं कंट्रोल ओ भाई साहब क्या व्यू है यार मस्त एक नंबर रोक 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 वहां पर गाइस बाहर नहीं निकल सकते बाकी यार मजा आ जाता बारिश भी आ रही है आप देख सकते हो और बाकी व्यू देखो आप व्यू भाई कितना प्यारा व्यू है यार एक नंबर यार मस्त और अभी तक तो हम और भी ऊपर जाने वाले हैं ना और ऊपर जाएंगे तो स्टार्टिंग है भाई और तुम जाओगे अब और ऊपर गोबर उठाने के लिए लोकेशन देख ले गाइस रोक रहे यार गरीबों के लिए क्या करें अब लगा दे साइड में लगा दे इससे ज्यादा तो यार अब हम कुछ नहीं कर सकते देख हमारी न्यू गाड़ी को है ना दूषित करवा रहे हम एक छींटा भी नहीं आना चाहिए गाड़ी के
देख लेना पैर ऊपर ही है। दे 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 धक्का दे ना। गिरा दे इसको, गिरा दे। नीचे जा। अरे तू आउट हो जा फिर मैं भी टट्टी कर लूंगा। मेरे से मेरे मुझे तो अपन एक टीम में है ना, तू भी तो पोटी करेगा। अब तो नीचे जाना तू। ओके इसका तो कहा। अरे रमी अब रुक तू करना पोटी में, बता अंदर गाड़ी में निकलेगी। पोटी गाड़ी से करोगे तुम? हां करेगा तो मेरे तो यहां पे जंगल के साइड में। ओ भाई साहब गजब सीन हो रहा है यार इनके साथ में। गाइस आप एक बंदे को तो है ना आप गोबर उठाते देखने वाले हो, क्योंकि मोटे को लग चुकी है पोटी और वो जा रहा है पोटी करने के लिए। भाई साहब मैंने बोला था ना गाइस मजा आने वाला है, अपन ने सही काम किया यार। काम किया ओए तुम भी जाओ बाहर, कंट्रोल कर लूंगा, टॉयलेट तो लग रही है। अरे गोबर ही तो उठाना है। और अभी तक हम चैलेंज के अंदर है, चार बंदे। जी हाँ दोस्तों, चार बंदे हम अभी भी चैलेंज के अंदर है और हम दोनों तो हार नहीं मानने वाले। नहीं मानने वाला है ना? मैंने रात को सब कुछ कर लिया, सब कुछ मतलब अभी है ना, नीचे उतरा यार ये यार, नीचे उतरा तो नहीं बोल रहा है। मम्मी कसम खा, बस मैं टॉयलेट की नहीं, विश्वास नहीं मुझे इस पर, बस टॉयलेट की है ये जो। अरे मम्मी कसम खा रहा है, नहीं गाइस ये है ना, ये वाला भरोसा है मुझे इसके ऊपर, ये हिस्सा ना ये वाला, इस पे खड़ा होकर वहाँ टॉयलेट की मैंने। क्या है, क्या है ये टट्टी करके आया, इसको पता यार सूख लेगा, हाथ भी नहीं धोया ये बोतल। फेंक इसको, तू तो गोबर उठा ना, सुन हाँ जा गोबर उठा तू। मैं उठा सकता हूँ क्योंकि गाय हमारी माता है, मैं कुछ भी उठा सकता। गाय का नहीं भैंस का, और दूसरा भी हो सकता है। हाँ होगा, किसी का भी हो सकता है, इंसानों का सब हो सकता है। इसको बाहर रखो यार, ये सूख गया है। कोई नहीं, मैं अब आराम से घूम सकता हूँ, लेकिन तुम में से कोई भी बाहर निकल गया ना फिर देख मैं कैसे सजा रखूं। भाई हम दोनों तो नहीं निकलने वाले, इनका पता नहीं, इनका पता नहीं, उनके लिए भी खतरनाक सजा है मेरे दिमाग। क्या सजा है होगी वो बताऊंगा एंड में, बताऊंगा जब करेंगे ना तब बताऊंगा। हम निकलेंगे नहीं, हम आराम से चैलेंज कर लेंगे। देख नजारे देख तू अपना, किशोर भाई अपने को देखो कितनी मस्त वाली जगह लेके आया। देख भाई साहब कितना गाइस मस्त वाला नजारा है, और आगे तो ये दूषित करके आ चुका है, दूषित प्राणी गंदगी फैला का है यार। मुझे तो बहुत तेज भूख लग रही है, तुझे लग रही है? मुझे भी लग रही है। गोबर खा ले, वो तो वो खाएगा, मोटा खाएगा, उठाने की लग रही है, भूख लग रही है। पहले तो दूर बैठ, कोई नहीं, और बेइज्जती होगी अभी तक तो। ये गोबरी उठाने वाला है मार्केट के अंदर जाकर। सुन मोटे एक काम तो कर दे, कुछ खाने के लिए लाके दे नहीं यार अंदर। हाँ यार बाहर जा सकता है, इसका हाथ गंदे नहीं धो लिया हाथ तूने, फिर मम्मी कसम का धो यार। सच्ची में फिर भी सच्ची बोल रहा है, मेरी बात सुन। पानी था ना बिस्लेरी वाली बोतल थी, उससे मैंने पिछवाड़ा भी धोया, हाथ भी धोए। ठीक है गाइस, मोटा मारे को अंदर खाना लाके देगा और बदले में हम मोटे से गोबर उठवाएंगे मार्केट में। बड़े मार्केट में। ये कौन सी नाइंसाफी है? ऐसा ही है यार, अब क्या कर सकता है, तूने हार क्यों मानी? सरवाइव करता, इसको देख। हाँ इसको देख तू, नेचुरल चीजें कभी भी आ जा सकती है। इसको देख इसको गाइस, अब यहाँ पर आप देखो हम चाय पीने के लिए एक थड़ी के ऊपर आए हैं, तो भाई यहाँ पर ही हम चाय पीने वाले, देखते हैं कि यार ये है ना हमारे को अंदर देता है या नहीं। मोटे हेल्प करना, जा चैलेंज आसान कर देंगे और तुझे बस है ना मार्केट में गोबर ही उठवाएंगे। ओए लेके आना चाय, मैं नहीं जा रहा हूँ, कर सकता है। चल ठीक है अब तो रुक जा बेटा, है ना तेरी पूरी 12 बजाने वाले। सुन अब तो है ना एक पे ढील नहीं छोड़ेंगे, और गाइस है ना मार्केट भी ले जाएंगे बीच में। ओए अंकल जी को बोल, शायद वो लेके आ जाएंगे चाहे अपने लिए, बोल दे अंकल जी चाय दे दो चोर। ठीक है ला रहे। तो गाइस फाइनली जो हमारा प्लान है वो बिल्कुल सक्सेसफुल हो चुका है। ये तू गोबर उठाने लायक ही है मोटे, अब कोई जरूरत नहीं है तेरी, कोई भी जरूरत नहीं है, पीछे बढ़ा रहे अब तू। ओए आगे में मुंह नहीं आने दे रहे इसको, ठीक है ना भाई? इतनी सी मदद नहीं कर सकते यार, हमने बोला था कि तू इतना ज्यादा भर भर के खा जो तुझे पोटी लगे। मैं जाऊंगा बाहर, वेपर्स खाऊंगा। हाँ जा तू जा, अभी गाइस है ना मार्केट में ले जाने वाले हैं और इस सब गोबर उठवाने वाले हैं। भाई रुको आप, मजा आने वाला है आपको आगे। फटाफट से यार पहले चाय पी लेते हैं भाई, सुबह से केवल है ना गरम कुत्ता खाया है और हॉट डॉग।
मजा नहीं आ रहा है यार, इसलिए यार मेरे को वो खा के कुत्ता खांसी हो गई ऐसा लग रहा है, मुझे वो लग रही है कुत्ता खांसी। कोई नहीं, फटाफट से अपनी चाय आ रही है, चाय पियेंगे यार मस्त। गाइस सुबह से ना अब हमारे को चाय नसीब हुई है, बिस्किट खाएगा अभी वापस भागेगा ना पोटी करने के लिए, अब नहीं भागूंगा। वो रे खेत जा, सुबह सुबह का टाइम के पेट खराब हो जाता है, ये काम है इसका तो खाओ निकालो, 10 दिन पर अभी भी शुरू है, अभी रुक जा अब आने वाले हैं मजे। गाइस हमारा तो चैलेंज थोड़ी देर में खत्म होने वाला है और फिर हम इसकी 12 बजाने वाले हैं मस्त, इससे मंगवाएंगे गोबर, गोबर उठवाएंगे मार्केट के अंदर, कोई नहीं उठा लूंगा यार, उठाना तेरी यही हरकत है, तू यही करेगा वैसे भी फ्यूचर में, और ये हालत खराब गेंडे खतरनाक भाई, अच्छा तू वहां निकल गया यार, आ जा तू भी आ जा, नहीं अब क्या थोड़ा बहुत और कंट्रोल करूँ, वैसे भी बहुत हालत खराब तेज हो रही है मेरी, किशोर की तरह डायपर पहन के आ जाता, टाइम क्या हुआ, टाइम होने वाला है वैसे भी टाइम तो, और तेरे क्या हाल है, हाल तो सही है लेकिन सबसे ज्यादा बोरिंग आज तक बोरिंग चैलेंज लिया इन्होंने, और ये किशोर ने पहले मरवा दिया, इसने बोला कि घुमाने ले जाऊंगा घुमाने ले जाऊंगा, ये वो पहाड़ दिखा के बिठा दिया यहाँ पे, अब इसमें क्या करें, सो जाओ बैठ जाओ, इतना गाड़ी चला रहा है, सिर दुख रहा है, इनको देखो भाई साहब उसमें मजा आ रहा है मस्त, मजा आ रहा है उसको देख, उसको तो नींद ही आ गई, शिद्दत कर रहा है मेरा तो भयंकर वाला, गाइस सच बताऊं सच, गाड़ी गाड़ी के अंदर यार वो हालत खराब हो रही है, मतलब कि ऐसा ना हाथ पांव कप कपा रहे हैं, बस बाहर निकलना है, मतलब कि अपन किसी चीज के अंदर इतने ज्यादा रुक जाते हैं ना तो यार अजीब सी घुटन होती है, और अब हो रही है घुटन भाई, मोटा सही है यार तू, अच्छा रहा तू निकल गया भाई, कोई नहीं मजे तो लेंगे तेरे भी, सबका दिन आता है भाई सबका दिन भाई, फाइनली है ना चैलेंज खत्म हो चुका है, तो बोतल कहाँ है यार, अरे बोतल कहाँ गई रे, ये कहाँ भाग रहे भाई, मुझे भी लग रही है भयंकर वाली बोतल, सभी लग रही है मुझे पोटी वगैरह, पानी तो नहीं है उसमें, भर लूंगा इधर तो बारिश का मौसम है अभी, गाइस हम मिलते हैं आपसे बाद में जब मोटे को सजा देंगे तब, गाइस फाइनली यार मेरा डेर कंप्लीट होने जा रहा है, मुझे गोबर दिख चुका है और वो गोबर में उठाने वाला हूँ, वहाँ पे देखो ऐसा गोबर पड़ा है वहाँ पे, तो उसको मेरा उठाते ही मेरा डेर जो है ना वो कंप्लीट हो जाएगा भाई, भाई मोटा जा रहा है गाइस, मोटा जा रहा है, वो देखो वो देखो, और कितने सारी पब्लिक देख रही, देख रहे हो आप भाई कितने सारे लोग देख रहे हैं, और अब जाने वाला है मोटा बीच के अंदर, ये यहाँ पर है गोबर, इसको मैं लेके जाऊँगा तो अपना डेर कंप्लीट हो जाएगा, ये लोग देख रहे क्या हुआ इसको, ओ भाई साहब भाई तगड़ी भेजती है भैया, वो देखो वो देखो वो देखो भाई आंटी जी देख रही है, क्या जय यहाँ से हट 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 यहाँ से भग हट हट सूख ले भैया से, ओए हट ओए इसको बैठा ना मत, बदबू आ रही है इसके अंदर, अब भगा यहाँ से हट जा भग यहाँ से, वो फाइनली गाइस वीडियो यहाँ पे खत्म होती है, वीडियो को लाइक करो, चैनल को कर दो सब्सक्राइब, जय हिंद जय भारत, भग यहाँ से।